अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मिक्स वेज की रेसिपी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विंटर्स के दिन में बहुत सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल होती है और बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल होती है। आप विंटर सीजन में मिक्स वेज की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाली है और आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस रेसिपी को बना सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 प्याज। प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 8 लहसुन की कलियां, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। साथ ही मैं यहां पे ले रही हूं 3 टमाटर। टमाटर को भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। 2 सूखी लाल मिर्चें। साथ ही मैं यहां पे ले रही हूं 10 काजू। यहां पे मैंने टुकड़े वाले काजू का यूज किया है। अब इसे हम 5 मिनट तक के लिए पका लेंगे। हमें इसे हल्का सॉफ्ट होने तक पकाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर और प्याज हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है और मैंने इसकी कंसिस्टेंसी को थिक रखा है, मैंने इसे ज़्यादा पतला नहीं किया है। मैंने यहाँ पे 1 कप फूल गोभी ली है और मैंने इसे छोटे पीसेस में कट किया है। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 गाजर। गाजर को भी मैंने छोटे पीसेस में रखा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है 5 फ्रेश बीन्स, इनको भी मैंने मीडियम साइज़ में कट किया है। और साथ ही मैंने लिया है 1/4 कैप्सिकम, इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में रखा है। 1 आलू, आलू को भी मैंने छोटे पीसेस में रखा है ताकि इसे कुक करने में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। मैंने यहाँ पे लिया है 1/3 कप हरा मटर और 50 ग्राम पनीर, पनीर को भी मैंने छोटे पीसेस में रखा। इन सारे वेजिटेबल्स को हमें ऑयल में फ्राई करना है। तो मैंने यह पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया। इसमें मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ गाजर और फ्रेश बीन्स, इनको मैं 3 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ पनीर, पनीर को भी हमें 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो पनीर हमारा थोड़ा ब्राउन हो चुका है, तो मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। बचे हुए तेल में मैं ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम और मटर, इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ गोभी और आलू, इसे भी हम 4 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। सारे वेजिटेबल्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए अब हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 तेज़पत्ता और 1 टीस्पून खरा ज़ीरा। इसे हम 30 सेकेंड्स तक के लिए ऑयल में पका लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी प्याज टमाटर का पेस्ट जो हमने थोड़ी देर पहले पीस के रखा था। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड करूंगी सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। इसे मैं 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि सारे मसाले हमारे पक जाएं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इसमें मैं सारे वेजिटेबल्स को ऐड कर दूंगी। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। आप देख सकते हो हमारी ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो कितना स्मूद आया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून पानी और पानी ऐड करने के बाद मैं इसे 10 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि हमारे जो सारे वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। तो आप देख सकते हो 10 मिनट हो चुके हैं और सारा पानी सूख चुका है और हमारा वेजिटेबल अच्छे से कुक हो चुका है। तो मैं यहाँ पर ऊपर में ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आप अपने हाथों की मदद से अच्छे से क्रश करके ऐड करें और इसे मैं 1 मिनट तक के लिए और पकाऊंगी ताकि हमारी ग्रेवी में कसूरी मेथी का फ्लेवर आ जाए और उसकी अच्छी से स्मेल आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा मिक्स वेज रेडी हो चुका है। आपने देखा इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।